कुंडलिनी शक्ति। बहुत लोग सवाल करते रहते हैं, बहुत लोग खोज करते रहते हैं, बहुत लोग पूछते रहते हैं, बहुत लोग ढूंढते रहते हैं। आजकल तो फोन के अंदर भी बहुत सी चीजें लिख दी गई हैं, बहुत लोग इस पर प्रवचन देते रहते हैं, घंटों घंटों बोलते रहते हैं, बहुत टाइम लगाते रहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी गई हैं कि सारा सिस्टम केवल कुंडली के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, कैसे जगाया जाए, कैसे किस प्रकार से साधना हो, कैसे इसको उठाया जा सकता है, कुंडलिनी क्या है, कहाँ इसका वास है, कैसा जप करना चाहिए, क्या प्राणायाम से कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी। भिन्न भिन्न प्रकार के एक एक शब्द के ऊपर एक एक पुस्तकें लिखी हुई हैं। आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने प्रयास भी किया होगा, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागी नहीं होगी। कुंडलिनी शक्ति जागना कोई बड़ा काम नहीं है, जगाना भी कोई बड़ा काम नहीं है। पहले तो आप ये समझो कि कुंडलिनी शक्ति है क्या ताकत। ये कुंडलिनी शक्ति एक अंदर जो 3.5 चक्कर लगा करके बैठी हुई है, आपके ये चक्कर कब तक, जब तक नाभि के अंदर शुरुआत नहीं होगी, जब तक आपका जाप नाभि तक नहीं जाएगा, जब तक आपकी जागृति शुरू नहीं होगी, जब तक नाभि के दोनों ओर सुरति और नृति का वास होता है, और सुरति और नृति जब तक जागेंगे नहीं, तब तक कुंडलिनी शक्ति आगे नहीं बढ़ सकती, आप कितना भी प्रयास कीजिए। तब जब तक आप योग की कोशिश करते रहेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करना प्रत्येक जीव का कार्य है, प्रत्येक जीव को मेहनत करनी चाहिए, अपनी तरफ से 100% प्रयास करना चाहिए, बाकी परमात्मा की मर्जी। आप प्राणायाम करते रहे, आपके जब प्राणायाम आसन सिद्ध होगा, पहले योग का 7वां अंग है ध्यान, तो प्राणायाम नीचे रह जाता है, ध्यान ऊपर जाता है। आप अंदाजा लगाइए, यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। तो प्राणायाम जो है वो कितनी नीचे की श्रेणी में आता है, और जो ध्यान है वो कितनी ऊपर की श्रेणी में आता है। आप अंदाजा लगाइए कि प्राणायाम का कितना प्रभाव होगा, ध्यान का कितना प्रभाव होगा, और सुमरण का कितना प्रभाव होगा। जब वो शक्ति, जब वो ताकत, जब हमारा सुमरण, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, वो सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा योग नहीं है, प्राणायाम भी इससे बड़ा योग नहीं है। जब ये प्राण नाभि के अंदर जाता है, नाभि के अंदर जाने के बाद वहां से जागृति शुरू होती है। नाभि के अंदर सब जितने भी नाड़ी तंत्र है, सब नाभि के अंदर है, और वो नाभि से नीचे जब शुरू होता है चलना, तो कहाँ पहुंचता है, मूल के पास पहुंचता है, मूल चक्कर के पास पहुंचता है, और मूल चक्कर के पास जब ये पहुंचता है, तो सीधा टकराता है कहाँ, कुंडलिनी के साथ। वहां जो 3.5 चक्कर लगाए हुए वो बैठी हुई है, वहां से फिर वो जो उसकी नीचे की ओर गति है, एकदम से ऊपर की ओर खड़ी होती है, और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। जब वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है, एक एक चक्कर को पार करते हुए जब वो सिर की तरफ ब्रह्मरंध्र के पास पहुंचती है, तो वहां जा करके बंद हो जाती है। आप देखोगे, डॉक्टर भी बोलेंगे, और आप भी देख लेना, अपने हाथ लगा करके आपको महसूस होगा, सिर के आस पास जहाँ कुंडलिनी खत्म होती है, वहां एक मांस का टुकड़ा सा होता है, वहां बंद होता है, वहां रोक दी जाती है। उसे आगे निकलना बहुत जोर का कार्य होता है, बहुत जोर का कार्य होता है। जब ये कुंडलिनी चढ़ती है, तो आपको महसूस होता है, इतना अंदर से इतना बारीक सा होता है कि वो रस जो होता है, तरल पदार्थ समझो आप, एक इतनी बारीक आपके बाल के समान, जो समझो बाल के समान एक नाड़ी
रीड के अंदर से गुजरती है और उसके अंदर से वो रस ऊपर उठता है। जब वो रस ऊपर उठता है तो आपको महसूस होने लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है, आपको थोड़ा आनंद महसूस होने लगता है, आपको ये पता चलने लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, कि कुछ तो अनुभव हो रहा है, ये पता चलने लगता। लेकिन अंदर जब चढ़ाई शुरू होती है लोगों की, वो ऊपर चढ़ जाती है, जब वो ऊपर की गांठ को तोड़ते हुए फिर आगे बढ़ने लगती है, फिर कुंडलिनी के अंदर जो रस था वो वापिस वहीं से चक्कर काटते हुए और वापिस गिरने लगता है और अंदर से एक आवाज गूंजने लगती है। कई बार तो योगी लोग अंदर जो रस टपक रहा है उसको अमृत भी बोलते हैं। कई लोग योगी जो उससे ऊपर नहीं उठ पाए, जो कुंडलिनी शक्ति से ब्रह्मरंध्र से ऊपर के लोकों में नहीं जा पाए, वो लोग ये मानते हैं कि जो वो रस गिर रहा है ऊपर वापस वहीं से घूम करके वो जो अमृत बरस रहा है ऊपर उसी को अमृत कहा जाता है, उसी को ये माना जाता है, यही परम चेतना है, यही परम आनंद है। लेकिन जो ऊपर के लोगों के अंदर नहीं गए उनके लिए ये अच्छी सोच है, जो ऊपर के लोगों के अंदर चले गए वो अलग तरह के होते हैं। लेकिन कुछ लोग यही मान लेते हैं जो वो आवाज आ रही है, जो गिरने की आवाज है, उसी को नाद बोलने लगते हैं। लेकिन नाद का रहस्य कुछ और है। नाद का जो रहस्य है, जिस जिस लोक लोकांतर से हम गुजरते चले जाएंगे, जहां जहां से हम गुजरेंगे जिस लोक से, वहां उसकी प्रत्येक, जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर आप एकांत में होते हो, जंगलों के अंदर हो, खेतों के अंदर हो, कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर, नदियों के किनारे, आपको एक आवाज आने लगती है अपने आप, चाहे कितना भी शांत हो, ये पृथ्वी का नाद है। जिस जिस लोक के अंदर से आप गुजरते जाओगे वहां आपको अलग अलग नाद सुनाई देने लगेंगे। जिस लोक में जो उस लोक का अधिष्ठा देव है उसकी अलग पहचान है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको ये कुंडलिनी पार करनी पड़ेगी, चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा काम नहीं कि कुंडलिनी जाग गई और आप परमात्मा को प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है, ये शुरुआत मात्र है। मैं तो ये कहता हूं जिस प्रकार से किसी बच्चे को हमने पीएचडी करवानी है और नर्सरी क्लास के अंदर, पहली के अंदर नहीं, नर्सरी के अंदर एडमिशन दिला दिया गया हो, तो ये कुंडलिनी जागरण है, ये नर्सरी क्लास है, इससे आगे की क्लासें तो बहुत है। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं हम इसी के अंदर फंसे रहेंगे। अगर इसके दोष भी हो जाते हैं, शरीर में कई बार एलर्जी भी शुरू हो जाती है, शरीर में कई बार अपने आप खून भी प्रवाहित होने लगता है, कहीं कहीं से अपने आप शरीर फटने लगता है, खून प्रवाहित होने लगता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार फेस के ऊपर अलग दिखाई देने लगता है एकदम से तेज, कई बार सारे रोए रोए खड़े हो जाते हैं, ये अलग अलग इसके प्रभाव हैं। कई बार शरीर के ऊपर एकदम से ऐसे निशान से पड़ने लगते हैं पूरे शरीर के ऊपर, कई बार ऐसा होता है शरीर में इतनी तपन महसूस होती है जैसे आग लगी हुई है, कई बार जब ज्यादा एकदम से कुंडलिनी जागरण हो जाए तो एकदम से शरीर छटपटाने लगता है, इतना दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है अंदर से कि भाग जाऊं कहीं ना रहूं, तो वो एकदम से कुंडलिनी का प्रभाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि जीव को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कई बार ऐसा होता है बुद्धि काम छोड़ देती है कि क्या सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, क्योंकि ये एकदम से जो कुंडलिनी जागरण है उसके प्रभाव होते हैं। कई संत महात्मा हमने देखा भी है, हमने किया, शक्तिपात के द्वारा भी कुंडलिनी जागरण होता है, कि शक्तिपात किस प्रकार से होता है, शक्तिपात या तो किसी को छू करके होता है या केवल नेत्रों से दृष्टिपात के द्वारा भी होता है, वो संतों की अपना अपना सामर्थ्य है कि कौन किस प्रकार से शक्तिपात करता है, कोई शरीर के ऊपर भी प्रभाव करके शक्तिपात करता है, सबके अलग अलग प्रकार के तरीके हैं कि किस प्रकार से
जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है वो सामने वाले के अंदर हम फेंक सकते हैं, उनके अंदर एकदम से प्रभावित कर सकते हैं, एकदम से प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीजों में मत फंसिए। ये कुंडलिनी जागरण भी आप ये समझिए ये नर्सरी क्लास है। अब आप ये सोचिए कि जब आप नर्सरी क्लास में नहीं हुए हैं, जब आप नर्सरी के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आप पीएचडी कब करेंगे? पीएचडी के लिए तो बहुत लंबा टाइम होगा, पीएचडी के लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, पीएचडी के लिए तो आपको बहुत खोज करनी पड़ेगी, पीएचडी के लिए तो आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी। तो आप पीएचडी की तैयारी कीजिए। अच्छा है आप नर्सरी क्लास के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि ये नर्सरी ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे बहुत सी क्लासे हैं। आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, वहीं मत बैठिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और परमात्मा की तरफ, उस सच्चे बादशाह की तरफ ध्यान दीजिए और इन छोटी छोटी चीजों के अंदर मत अटकिए।